तुम बताओ यार। ये हमारा प्यारा पपी है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्ते जुले। होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे गांव में धूप लगी है। बहुत दिनों से मौसम ख़राब चला हुआ था, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को पता ही है यार, मेरी गाड़ी ख़राब हुई है, तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ या फिर कोई लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ जो कि इस साइड से आएगी। अगर कोई भी मुझे लिफ्ट या बस मिल जाती है तो मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँगा। और मैंने अभी अपने घर के लिए दवाइयाँ लेनी है जो कि सुड़ान होने वाला है सेब का, तो उसके लिए प्लस साथ में मेरे आज गाड़ी का काम भी है। देखता हूँ क्या हुआ है उस गाड़ी में, जाके चेक करता हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ। OMG यार, आप देख सकते हो मेरी गाड़ी का A to Z पुर्जा खोल दिया इन लोगों ने यार। पूरा इंजन ही निकाल के रख दिया इन्होंने नीचे, और इसकी वायरिंग अब अभी कर रहे हैं ये लोग काम इसकी वायरिंग पे। ओके, आज शाम तक मुझे गाड़ी मिल जाएगी वैसे इन्होंने कहा है। चलिए देखते रहिए। 2 hours later तो यार फाइनली मेरी गाड़ी बन गई है, और ये बाज़ार तो आपने देखा ही होगा, नाचेरी बाज़ार, काफ़ी फेमस है। और ये कुछ बड़े बड़े पहाड़ हमारे गांव के पहाड़ों के बीच में बसा है हमारा गांव, हरा भरा एकदम। तो यार लास्ट वीडियो में आपने मेरा देखा होगा, काफ़ी इंजन सब कुछ खुल चुका था। दिखाता हूँ अभी आपको, इंजन सब कुछ खुल चुका था। तो ये देखिए यार, एटलीस्ट गाड़ी बंद तो गई है, सब कुछ हो गया, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। जो मेरा फॉल्ट था वो इस चीज़ में था, ये जो आपको दिख रहा है ECM, ये ECM है और ये कपलर है, मेरा इसमें फॉल्ट था वो, और ये हो चुका है। और ये वायरिंग इसमें नहीं लगी है, ये वायरिंग इसमें नहीं लगी है अभी, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी एक चीज़ इसका नहीं मिला मुझे, वो ये चीज़ है, ये हॉस मतलब इसमें यहाँ से हवा जाती है यहाँ से अंदर को, तो ये हवा यहाँ से इसमें फ़िल्टर होके फिर यहाँ से अंदर इंजन में जाती है। तो ये चीज़ भी मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, वो चीज़ नहीं मिली मुझे, तो उन्होंने मंगवाई है। तो देखते हैं बाकी यार, अभी इंजन साफ़ करने को है, तो देखते हैं अभी साफ़ करूँगा मैं कुछ टाइम बाद। बट एटलीस्ट मेरी गाड़ी बन तो गई है, बाकी बताता हूँ मैं आपको मेरा कितना एस्टिमेट आया इस केस में आगे। तो यार जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मेरी पूरी वायरिंग शॉर्ट हो गई थी अगली, तो वो वायरिंग पूरी चेंज हुई मेरी अगली कपलर के साथ, विद कपलर, तो उसके लिए मेरा पूरा इंजन उतारना पड़ा, उसका इंजन उतार के फिर जाके वो फिटिंग हुई उसमें। पर ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया, फिर भी यार खर्चा तो मतलब आ गया था, ज़्यादा नहीं था, मतलब 6-7 हज़ार क्या समथिंग आ चुका था खर्चा। तो टोटल मेरा खर्चा 6-7 हज़ार आ गया, और मेरी गाड़ी बन भी चुकी है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था अभी कि मेरी गाड़ी बन चुकी है। तो ये मेरे गांव का नज़ारा है कुछ शाम के टाइम का, देख सकते हैं धूप जाने वाली है अब, और काफ़ी अच्छा व्यू है आप देख सकते हो। और ये गांव मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये गाँव ये सामने पार्क को है और कुछ घर यहाँ से ऊपर को है,
और काफ़ी हरियाली रहती है 12 महीने मेरे गांव में। तो यार मैंने अपनी गाड़ी को मिस किया इस पार्किंग में बहुत ज़्यादा, दो एक दिन। चलो कोई नहीं, बन के वापस तो आ गई है। और मम्मी रोटी बना रही है। हाँ मम्मी चपाती बना रही है फुल के। किसके लिए बना रहे फुल के? ओ भाई हरी सब्जी मैं खाता ही नहीं हूँ। ओ भाई हाँ हाँ हाँ, पूरी भी तली आज तो आपने। ओहो आज तो खाने के मज़े कुछ और है। चलो बना बनाओ आप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार मेरी सारी वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए, और आगे भी मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। चलिए मैं इतना अच्छा तो नहीं बनाता हूँ, पर जैसा बनाता हूँ ऐसा ही है, पर फिर भी मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।